नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। अब खबरें अन्य राज्यों से। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ 10 साल पहले दिए गए विवादित बयान के मामले में अदालत ने चार्ज फ्रेम किया है। विशेष न्यायाधीश एमपीएलएमए कोर्ट मोहित शर्मा की अदालत में इस प्रकरण से जुड़े 19 ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए। मामला 2014 का है, जब इमरान मसूद ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोटी बोटी करने वाला बयान दिया था। ये बयान उस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और इसने देश भर में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी। इमरान मसूद उस समय सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार मसूद ने सहारनपुर के गांव लपकरी में एक सभा के दौरान ये विवादित बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीएसपी के दो विधायकों पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद 27 मार्च 2014 को तत्कालीन कोतवाली देवप्रंद प्रभारी कुसुमवीर सिंह ने उनके खिलाफ विभिन्न आरोपों में रिपोर्ट दर्ज की, जिसके तहत मसूद को कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। सहारनपुर से सनी प्रजापति की रिपोर्ट। मेरा नाम गुलाब सिंह है, विशेष लोक अभियोजक एमपीएमएलए कोर्ट सहारनपुर। ये मामला 2014 का लोकसभा चुनाव का है, जिसमें इमरान मसूद कांग्रेस प्रत्याशी थे उस टाइम पे, और एक थाना देवल के अंतर्गत एक गांव आता है लपकरी, उसमें एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें इमरान मसूद द्वारा आपत्तिजनक भाषण दिया गया था और ये बोला गया था कि अगर नरेंद्र मोदी सहारनपुर में आए तो उनकी बोटी बोटी कर दी जाए, और दलित विधायकों के बारे में भी उस टाइम में आपत्तिजनक भाषण दिया गया था कि सहारनपुर में 42% मुसलमान होने के बावजूद भी एससी सीट पर, सामान्य सीट पर एससी विधायक बनाए हुए हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है, और एससी समाज को भी अपमानित किया गया था उनके द्वारा। उन्होंने हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनके प्रति भी गलत भाषण दिया गया था कि बोटी बोटी सहारनपुर में आए तो बोटी बोटी कर दी जाएगी। इन 153 है, 153 ए और 295 ए, 504, 506 आईपीसी और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और एससी एसटी एक्ट के तहत चार्जशीट फाइल हुई थी और उसमें चार्ज बना दिया गया है। उसमें टोटल गवाह 19 है और हम उसमें आगे की प्रक्रिया बढ़ाते हुए गवाह को प्रक्षित कराए जाए। अपने चार्ज फ्रेम उसमें परसों हुआ था 21 तारीख। देखो, वो तो गवाह को परिचित कराएंगे, वो आगे की प्रक्रिया है, लेकिन हम पूरी तरह से गवाह को परिचित कराएंगे जो पुलिस द्वारा चार्जशीट में जो गवाह है। इसमें सजा 3 साल से लेकर 7 साल आगे तो गवाह के ऊपर निर्भर करता है।